गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस केस। आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट 4 संज्ञा के विषय में पढ़ाया था और लिखवाया भी था। मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के दो भेद करा दिए थे। आज मैं आपको उसी के आगे कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और मेरे साथ करना शुरू करेंगे। मैंने आपको उस दिन संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के दो भेद कराए थे, तो अगर आपके पेज में स्पेस है तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आप नए पेज से लिखना शुरू करेंगे। आज मैं आपको संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा कराने जा रही हूँ। पहला और दूसरा मैंने आपको पिछली कक्षा में करा दिया था, तो अब मैं आपको तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे क्या हेडिंग डालेंगे? तीसरी हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा। जहां पर आपने भेद एक और दो किया उसी के नीचे से आपको ये भी शुरू करना है। तो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से दशा अवस्था गुण दोष भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे बचपन बड़ा सुंदर होता है, एवरेस्ट की ऊंचाई देखने योग्य है। दूसरा उदाहरण क्या है? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा भी हो गया। तो मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के तीनों भेद कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। क्या करेंगे? संज्ञा के प्रश्न उत्तर। तो हेडिंग डालेंगे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किसी संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी व्यक्ति प्राणी स्थान वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम मोहन आगरा ताजमहल, जैसे राम
मोहन, आगरा, ताजमहल, बचपन आदि, बचपन आदि। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया है। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कराने जा रही हूँ। प्रश्न दो है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। प्रश्न दो क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। उसका उत्तर है, संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। तो क्या है प्रश्न दो, क्या है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो उसका उत्तर है, संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको संज्ञा का चैप्टर पूरा करा दिया है, आगे का मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।